स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमने योगी जी की छग लाइफ देखी थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो आज हम अमित शाह जी की छग लाइफ पे रिएक्शन देखने जाए, तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया, क्यों टेम्पररी रखा, परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया, क्यों डाला गया भाई, आपने ही डाला है, आपने ही कहा है, नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक आपसे पूछता है, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं, आपका ही रोल है, मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। ये तो धोती खोल रहा है। मैं आप कह रहा हूँ, एक बात को स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल है, स्वीकार नहीं करूंगा। पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा तो आपका रोल है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं, क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 महीने हुए, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए, कहां जल्दी करे, कहां जल्दी करे, 70 साल हो गए, 70 साल हो गए जी, कहां जल्दी करा, 70 साल चले गए, जल्दी क्या करा। हम तो 1950 से कहते थे हम 370 को हटा देंगे, जब से मसला खड़ा हुआ कहते थे राम मंदिर वही बनना चाहिए, तब से कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तब से कहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए, करके दिखाइए, और तब से एनआरसी की भी बात कर रहे थे जब से आसाम एकॉर्ड हुआ, कि भाई आसाम का मसला नहीं है, देश भर में स्प्रेड कर गए, पूरे देश का करना चाहिए। हम तो तब से कहते, कहां हमने जल्दबाजी की। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी कोई चुनाव नहीं। सही बात। इसकी गल ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी रहते हैं, बैठते हैं, और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ये बढ़िया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रिकॉर्ड तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है, फारूक साहब है, है, और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं आ सकता, ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है, फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। With democratically elected political leaders, including two former MPs, two former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest, and the whereabouts of our own colleague, Dr. Farooq Abdullah, unclear. We still need to know where he is. He has not. In bar clear, Mannya sir, Adhyaksh ji, main phir se ek bar clear karna chahta hu. Take your word for me. Like some assurance for him. Ek second. Iske upar dobara se debate ho raha hai. Maine 3 bar clear kiya, magar bar bar opposition ne mudda keh raha hai. फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात करो, बात तो करो सर। उसने टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग,
सदन को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूँ, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। आपने कहा कि अब देश में सुनामी है, आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही, क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, हमारे के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा, देखिए बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूँ, ये कहाँ से आपको आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? पब्लिक में चल रहा है। लेकिन वीडियोग्राफी से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे। नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या कि स्टूडेंट्स ने बस चलाना चाहिए? कोई समर्थन नहीं हो सकता। तो फिर वायलेंस कैसे है? उपदेश से होगा? आप कार्यक्रम देखकर बंद होगा? आप तो ज्यादा दिखाती हो वायलेंस को, पूरा टाइम्स नाउ भरा पड़ता है, कैसे वायलेंस बंद होगा? बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाने, और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है, तो कैसे होगा बताइए? गजब बेइज्जती। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से दो परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान मेरी कहानी में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूँ, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते, एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से, ढेर सारे हो रहा था, ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30-7% और 23-3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृहमंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, कतर से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा, अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे। ये बढ़िया था गुरु। NRC है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का ना पहचानने देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे अमित शाह जी तो सेवेज रिप्लाई देने में तो माहिर है। अगर आपको इस तरह की थग लाइफ और भी देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।